नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रू फैशन पॉइंट में। और आज हम आपको पटियाला सलवार में प्लेटें डालने का तरीका सिखाएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये हमने पटियाला सलवार की ऑलरेडी कटिंग की हुई है और हमने कलियां जोड़ ली हैं। इसका घेर टोटल हम आपको बता देते हैं कितना है। इसका टोटल घेर दोस्तों डबल करके तो है हमारा 54, और सिंगल करके हमारा 108 है घेर। ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों हमारी फुल पटियाला सलवार है, यहाँ से हमारा घेर स्टार्ट होता है, ये हमारा आसन है, ये हमारा टोटल 108 इंच का घेर है। अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे, तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, प्लेट डालने के लिए हम आपको सबसे पहले आसान तरीका बता देते हैं। ये हमारे दोनों आसन हैं, इनमें से आप कोई सा भी फ्रंट या बैक बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये वाले आसन को अपने बैक बना लेते हैं। और दोस्तों, प्लेट डालने का सबसे पहला तरीका भी यही होता है कि हम पीछे की तरफ से बॉक्स प्लेट डालेंगे। तो बॉक्स प्लेट डालने के लिए हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ये जो निशान हम लगा रहे हैं, यहाँ पर हमारी सिलाई लगी हुई है। अब हम 4 इंच का निशान यहाँ से लगाएंगे, यानी 4 इंच पर निशान हमने ये लगा दिया। यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे, ये हमने कट लगा दिया है, और इसको इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ से इस तरीके से इसको पकड़ेंगे। एक प्लेट हमारी ये हो जाएगी बॉक्स प्लेट, और एक यहाँ से इस तरीके से ही हो जाएगी। यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। और दोस्तों, बॉक्स प्लेट डालने से पहले हम आपको एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही अच्छी सी टिप्स आपको बता देते हैं। दोस्तों, हमने ये जो 4 इंच का निशान जो लगाया है, ये हमेशा पटियाला सलवार में 4 इंच का ही लगता है। और जैसे अगर आपकी नॉर्मल सलवार है, तो उसमें आप ढाई ढाई का भी लगा सकते हैं और 3 का भी लगा सकते हैं, चाहे उसमें आपका बेल्ट कितना भी हो। तो ये हमारा पटियाला सलवार में हमने 4 इंच लगाया है, हमेशा 4 ही इंच रहता है। इसमें भी आपका बेल्ट चाहे कितना भी हो। अब हम आपको बॉक्स प्लेट डाल के बताते हैं। बॉक्स प्लेट जो हम डालेंगे, यहाँ पर हमने जो सिलाई लगा रखी है, यहाँ से हम बॉक्स प्लेट को इस तरीके से उठाएंगे, इस सिलाई से इस तरीके से मिलाएंगे, इसी तरीके से दूसरी वाली बॉक्स प्लेट को उठाएंगे और इस पे सिलाई के बराबर में रख देंगे। तो देखिए, ये हमारी बॉक्स प्लेट इस तरीके से कुछ तैयार होगी। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी बॉक्स प्लेट पड़ गई है। तो दोस्तों, हमने ये अपनी बॉक्स प्लेट डाल ली है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे और अपना जो पूरा आसन है टोटल डबल करके पकड़ेंगे। ये हमारा आसन डबल हो गया, यानी हमारा ये आगे का और ये पीछे का दोनों आसन इस तरीके से मिला लेने हैं हमने, और इस तरीके से हम इसको रखेंगे। और 8 इंची टेप को हम आगे की तरफ निकाल देंगे यहाँ से। और आपका बेल्ट चाहे जितना भी हो, आपका बेल्ट 21 हो या 22 हो, आप वहीं पर निशान लगा सकते हैं। इसमें हमारा बेल्ट 21 इंच का है, यहाँ पर हमने 21 इंच पर निशान लगा दिया है, और यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। अब हम अपने इस वाले कट से, इनमें से आप कोई सा भी एक कट पकड़ सकते हैं, तो हमने ये वाला कट अपना एक पकड़ा है, और यहाँ से हम अपनी प्लेटें डालना शुरू करेंगे। और दोस्तों, हम सबसे पहले प्लेट डालना अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने जो कट लगा रखा है, यहीं से हम शुरू करेंगे। ये हम जो प्लेट डालेंगे, कट को इस तरीके से पकड़ेंगे और 4 इंच कपड़ा अंदर की तरफ कर देंगे। ये जो हमने 4 इंच दोस्तों कपड़ा अंदर किया है, पटियाला सलवार में हमेशा आप 4 ही इंच कपड़ा अंदर करेंगे, तो आपका बेल्ट एकदम फिक्स आएगा, चाहे आपका बेल्ट कितना भी हो। ये हमने प्लेट को यहाँ पर फंसा दिया है सिलाई के नीचे। अब हम दूसरा प्लेट डालेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर हम आधा इंच कपड़े को पकड़ेंगे। यहाँ पर एक उंगल इस तरीके से नाप लें और इस तरीके से इसको हम ये पकड़ेंगे और 4 इंच कपड़ा फिर अंदर कर देंगे। ये हमारी प्लेट दूसरी भी पड़ गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक एक उंगल रख के अपना निशान लगाते जाएंगे और अंदर की तरफ 4 इंच कपड़े को करते जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, कोई भी प्लेट छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक बराबर प्लेटें रहेंगी तभी आपका बेल्ट एकदम फिक्स आएगा।
और ये दोस्तों हमारा सेंटर आ गया है, यहाँ पर हमने प्लेट को डाल के रोक देना है सिलाई अपनी। तो ये हमारा सेंटर आ गया, यहाँ पर हमने अपनी प्लेटों को गिन लेना है कितनी प्लेटें हमारी पड़ी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ही प्लेटें हमें इधर डालनी है, वही 4 4 इंच के हिसाब से। अब तक हमने प्लेटों का मुंह इधर को रखा था, अब हम अपनी प्लेटों का मुंह इस तरफ को रखेंगे, यानी हमने आमने सामने दोनों प्लेटों को मिला दिया है अपनी, यानी एक जवाब हमारा इधर से है और एक जवाब हमारा इधर से है। तो दोस्तों ये हम प्लेट जो डाल रहे हैं यहाँ पर हमने 4 4 इंच का ही मार्जिन लेना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम अपनी सारी प्लेटें डाल देंगे। और दोस्तों ये देखिए हमारा एक लास्ट का कट आ गया है, इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर अपनी लास्ट प्लेट भी डाल देंगे। तो ये हमने अपनी सारी प्लेटें डाल दी हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमने अपनी प्लेटें डाल ली हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया। अगर आपके अभी भी समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, या हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप हमें व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। तो ये हमने प्लेटें डाली हैं दोस्तों, ये तैयार हमारी देख लीजिए आप, पूरी 21 इंच है ये देखिए, और हमारा ये बेल्ट है, ये बेल्ट भी हमारा 21 इंच है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने प्लेटें डाली हैं, आप अगर इस तरीके से प्लेट डालेंगे तो कन्फर्म आपका बेल्ट एकदम फिट आएगा। तो चलिए अब हम अपना बेल्ट चढ़ा देते हैं इस पर। तो दोस्तों हमने अपनी सलवार पर बेल्ट चढ़ा दिया है, और दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।